हाय दोस्तों, नमस्कार। राधे राधे। आप लोग कैसे हैं बताइएगा। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और बस मतलब पूजा पाठ की ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं ले पाती हूँ, और इस टाइम तो बहुत ही बिजी टाइम होता है, मतलब बहुत ही बिजी रहते हैं सब। और उसके बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ प्रेस, और कपड़ों में इनके मतलब प्रेस करना था, और बच्चे लोग के ड्रेस वगैरह मैंने धुल के रखे थे, तो बस मैंने सोचा चलो प्रेस वगैरह करके रख देती हूँ। और ये वीडियो है मतलब दोपहर के टाइम का ही। और बस यहाँ पे ये देखिए बेटा यहाँ पे खड़ा होके कैसे सतानी कर रहा था, मुझे पता नहीं चला, कैसे कैमरा बंद कर दिया था। और बस यहाँ पे बातें भी करते जा रहे हैं बच्चे लोग से, और यहाँ पे मैं इनके ड्रेस पे प्रेस करती जा रही हूँ। प्रेस करके मैंने सारे धुल दिए और प्रेस करके रख देती हूँ। 3 सेट का लगता है ड्रेस अलग अलग दिन, तो अपना मतलब ये कि प्रेस करने का झंझट नहीं रहता है, और प्रेस करने से कपड़े में काफ़ी चमक आ जाती है, इसलिए प्रेस ज़रूर कपड़ों में करते रहना चाहिए बीच बीच में। और यहाँ पे बस आज मैंने येलो वाली मैंने साड़ी पहनी हुई है। और चलिए फिर आज बच्चों को मैं लेकर जाने वाली हूँ बाहर मंदिर घुमाने के लिए, और इसी बहाने हम लोग भी थोड़ा घर से बाहर निकलते हैं और अच्छा भी लगता है। सो गाइज, यहाँ पे देखिए शाम का टाइम का ये वीडियो है, और मैं आई हूँ बच्चों लोग को लेके घुमाने के लिए मंदिर। तो यहाँ बहुत ही बड़ा सा पार्क बना हुआ है, देख सकते हैं, और पार्क में माता जी विराजी हुई हैं। बहुत ही बढ़िया सा साज सज्जा वगैरह सब किया गया है। तो यहाँ पे देखिए बच्चे आए हैं, और बेटी के भी देखिए यहाँ पे फ्रेंड भी आए हैं, मतलब सहेलियाँ भी आई हुई हैं। तो मैं भी साथ में गई थी, सोचा चलो बच्चों के साथ हम भी बाहर घूम लेंगे थोड़ा, मतलब घर से बाहर निकलो ना, इस टाइम पे मौका भी रहता नहीं, तो वैसे तो कोई जाता भी नहीं है शाम, खासकर शाम को। मॉर्निंग में तो जाती भी है, शाम को तो टाइम नहीं लगता है और कोई मन भी नहीं करता है। और बस यहाँ पे आए, बहुत ही अच्छा लगा, हमको भी बहुत अच्छा लगा, बच्चों ने भी बहुत ही इन्जॉय किया। तो यहाँ पे मतलब चलते चलते 3 से 4 मंदिर पड़े थे, तो सभी मंदिरों में दर्शन किए हैं बच्चे लोग भी। और यहाँ पे देखिए बेटी यहाँ पे वीडियो बना रही है, मैं बैठी हूँ चेयर पे, वो देखिए। और अभी 3 का टाइम था ना, तो यहाँ पे सजावट वगैरह नहीं दिख रही है। और यहाँ पे चलिए फिर आप लोग, तो देखिए यहाँ पे अब जैसे जैसे शाम हो रही है ना, तो यहाँ पे बढ़िया मतलब लाइटिंग वगैरह थोड़ी ऑन हो चुकी है, लेकिन तो जब रात हो जाएगा मतलब तभी ये दिखेगा रात में। ये बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही अच्छा सा लाइटिंग किया गया है, बहुत अच्छी से व्यवस्था की गई है सब देखते हुए। यहाँ पे बच्चे लोग बहुत ही खेलने भी आते हैं, माएँ लेके आती हैं बच्चों को, और अच्छा भी लगता है। मैं बहुत देर तक यहाँ पे बैठी थी, लेकिन यहाँ पे आरती का टाइम होता है 7:30 बजे का, और फिर इसके बाद ही भजन वगैरह चालू होती है। लेकिन घर से हम काफ़ी दूर आए थे, तो फिर हम बहुत टाइम तो नहीं दे पाए थे यहाँ पे, लेकिन कुछ देर यहाँ पे बैठे थे, और बहुत ही लोग यहाँ पे मिल भी गए थे। और यहाँ पे देखिए मैया जी बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए माता जी का। और दुर्गा मैया हमारी वैसे बहुत ही भोली वाली सी हैं, और सबकी बिगड़ी बनाने वाली है माता रानी, जो भी भूल चुको क्षमा करना, और अपना दया दृष्टि सब पे बरसाना अपना, और सब पे कृपा बरसाए रखना माता रानी, सभी की खाली झोलियों को भरना। और देखिए बहुत ही प्यारी सी माता लग रही है हमारी, बहुत ही प्यारी सी, और लगता है कि बस इधर उधर कहीं ना देखे, बस मैया जी को निहारते रहे। और बस आप लोग बताना, आप लोग भी कहीं घूमने गए हो या नहीं? तो बस पहले तो मैं 2-3 दिन कहीं नहीं गई, उसके बाद ही बच्चों को लेके जाने लगी कि चलो इसी बहाने घूमना हो जाएगा। तो यहाँ पे माता जी का हमने दर्शन करिए, अब चलिए चलते हैं अब आगे की ओर। ये देखिए आप देख सकते हैं, अब मैं आ गई हूँ दूसरे जगह, और ये देखिए रात का टाइम थोड़ा हो चुका है, तो अब ये हम घर की ओर ही जा रहे हैं, लेकिन जो पीछे मंदिर आ रही है वहाँ पे ही आ रहे हैं और दर्शन करने। तो ये अब हम आ गए हैं दूसरे पार्क में, और मैंने चश्मा लगाया हुआ था क्योंकि लाइटिंग बहुत ही ज़्यादा हो रही थी, और सिर का दर्द मुझे डेली लगाना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए माता जी का यहाँ भी दर्शन कर लीजिए, तो यहाँ भी पार्क में है। और आज मतलब इस बार ना आजकल ज़्यादातर पार्क में ही माता जी को विराजा गया है, और अदर बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलता है, बाकी तो मार्केट में बहुत विराजी हैं। और यहाँ पे मैं अब आ गई हूँ, तो यहाँ पे सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। मैं आ गई हूँ मतलब 7:30 बजे घर आ गई हूँ बच्चों को घुमा कर लेकर, और यहाँ पे चाय वगैरह हमने पिया। फिर मैं कहीं से आती हूँ तो मेरे को चाय को लगता है चलो आधा कप चाय ज़रूर पी लूँ, और फिर बस मैं बैठ गई, मैंने भिंडी को लिया, भिंडी लेके ही आई थी वहीं से, और बढ़िया ताज़ी भिंडी दिखी तो मैं लेके आई थी, और मैंने सोचा चलो यहीं पे टीवी देखेंगे। देखिए सीरियल तो यहाँ पे फिल्म चालू थी, और यहाँ पे बहुत ही फेवरेट मतलब अच्छी फिल्म मुझे लगी, तो यहीं पे फिल्म ही देख रही थी, और बस यहीं पे सब्जियाँ काट रही थी।
तो आज का मेरा ये दिन रहा और बच्चों लोगों को बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही इन्जॉय किए बच्चों लोगों ने। और मम्मी पापा साथ जाते हैं तो वैसे भी बच्चे इन्जॉय करते हैं। और बस बच्चों लोगों को मैंने थोड़ा खिलाए पिलाए भी, थोड़ी फुल्की वगैरह उन्होंने खाए, चाट खाए, चाइनीजी आइटम थोड़ा खाए। और हमको भी बहुत ही अच्छा लगा घर से निकले, थोड़ा इन्जॉय हुआ, बच्चों के साथ साथ हमारा भी इन्जॉय हुआ। सो गाइस, ये छोटा सा वीडियो आप लोग को आज का कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आगे शेयर कीजिएगा। और बाकी मैं यहाँ का वीडियो नहीं शेयर करूँगी, बाकी डिनर वगैरह बनाने वाली है, भिंडी की सब्ज़ी रोटियाँ बनने वाली है। और बस आज का वीडियो छोटा सा ही है, लेकिन प्लीज़ आप लोग पूरा देखिएगा, कोई ज़्यादा बड़ी सी नहीं है। और बताइए आप लोग भी कहीं घूमने जा रहे हो या नहीं, और ज़रूर ज़रूर आप भी जाइए, बच्चों को भी लेके जाइए, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको भी और बच्चों को तो पूरा अच्छा लगने वाला है। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक बाय बाय।